बहुत से निवेशक मुझसे पूछते हैं कि आप हमेशा कहते हो कि एसआईपी मेथड के थ्रू ही इन्वेस्ट करो, एसआईपी मेथड सेफेस्ट है। पर क्या है ये एसआईपी मेथड, कैसे काम करता है ये, और क्यों एसआईपी बेस्ट है इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वेल, आज के वीडियो में मैं इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एसआईपी होता क्या है, और एक एग्जांपल की मदद से ये भी देखेंगे कि एसआईपी मेथड से इन्वेस्ट करना स्टेबल रिटर्न्स कैसे दे सकता है। लास्ट में मैं आपको एक एसआईपी रिलेटेड इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में भी बताऊंगा जो कि हमारे ऐप जेड फंड्स पर अवेलेबल है, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रॉल डाउन करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आए। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो क्या है एसआईपी? एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग मेथड को कहते हैं। इस मेथड में इन्वेस्टमेंट्स को टाइम नहीं किया जाता बल्कि एक फिक्स प्री डिटरमाइंड टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, चाहे इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली किसी स्टॉक में हो या फिर एक म्यूचुअल फंड में। यूजुअली एसआईपी मंथली बेसिस पे की जाती है, कोई एक डेट फिक्स हो जाती है मंथ की और उस डेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हैं कि एक्स म्यूचुअल फंड में आपने 5,000 रुपए हर महीने के निवेश करने हैं, तो आप एक डेट चुन लेते हैं 5th, 15th, 25th या कोई भी और डेट, और इस डेट पर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर ही देते हैं हर महीने। इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अभी नीचे है या ऊपर, आज इन्वेस्ट करूं या कल तक वेट करूं, ऐसी कोई भी चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक डिसिप्लिन वे में जिस डेट पर आपकी एसआईपी ड्यू हुई है उस डेट पर इन्वेस्ट कर दीजिए। बड़े से बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनमें वॉरेन बफे जैसे लोग भी इंक्लूडेड है, उन्होंने भी मान लिया है कि वो मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिए ऐसी बातें सोचना कि अभी मार्केट ऊपर है जब टूटेगी तब इन्वेस्ट करूंगा या फिर अभी क्रैश आने वाला है मैं वेट कर लेता हूं, ये सब बेकार है। ये तो था एसआईपी होता क्या है। अब देखते हैं कि एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करने में बेनिफिट्स क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट एसआईपी में इन्वेस्ट करने का है रुपी कॉस्ट एवरेज। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स हर महीने एक फिक्स अमाउंट की ही करते हैं। अगर मार्केट ऊपर हो उस दिन तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, अगर मार्केट नीचे हो तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कॉस्ट है ऑफ परचेज वो एवरेज आउट होती चली जाएगी, इसके कारण आपके रिटर्न्स को स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं आप 1 जनवरी को एक म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। इस फंड का नेट एसेट वैल्यू या प्राइस 44.56 रुपए का है, तो आपको फंड में पहले महीने 22.4416 यूनिट्स मिलेंगे। अगले महीने 1 फरवरी को ऑटोमेटिकली 1,000 रुपए और इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब फंड का एनएवी गिरकर 42.97 रुपीज का हो जाता है, तो आपको फरवरी में थोड़े ज्यादा यूनिट्स मिल देंगे। आपको मिलते हैं 23.272 यूनिट्स। आपकी टोटल होल्डिंग फंड में हो गई 45.7136 यूनिट्स। सिमिलरली अगले 4 महीनों के लिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की ऑटोमेटिकली फर्स्ट को हो जाती है। आप देखेंगे कि एनएवी पहले 4 महीनों के लिए यानी अप्रैल तक गिर रहा था और फिर अगले 2 महीनों के लिए बढ़ना चालू हो गया। इसके कारण पहले 4 महीनों में यूनिट बढ़ रहे थे और फिर अगले 2 महीनों में नंबर ऑफ यूनिट परचेज घटने लगे। जून 1 के परचेज के बाद नंबर ऑफ यूनिट पोर्टफोलियो में टोटल 159.34 हो गए। एंड ऑफ जून में फंड का एनएवी 38.07 रुपीज का हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज ऑन 30 जून ₹6,066.07 की हो गई। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी ₹6,000 की, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया 1.1% का। इसको अब कंपेयर करके देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी अगर आपने पूरे 6,000 रुपए एक ही साथ इन्वेस्ट कर दिए होते 1 जनवरी को तो क्या होता। 44.56 रुपीज के एनएवी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ यूनिट मिलते 134.65, आपके पास इतने ही यूनिट रहते। और 30 जून को जब फंड का एनएवी 38.07 रुपीज का होता तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 5,126 रुपीज एंड 13 पैसा, यानी कि आपको 14.5% का लॉस हुआ होता अपने इन्वेस्टमेंट पर। कई लोग मुझसे ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपके एग्जांपल में हमने जनवरी के बजाय अप्रैल में इन्वेस्ट किया होता तो हमारे रिटर्न्स एसआईपी से कितने बेटर होते हैं। अगर हम जनरली मार्केट 10 या 15% गिरने पर ही इन्वेस्ट करें तो हमारे रिटर्न्स कितने बेटर हो सकते हैं। वेल, अपने करियर के स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही सोचता था और मार्केट टाइम करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन बहुत ही जल्दी समझ आ गया कि ये कोई आसान काम नहीं है। हाई मार्केट कंडीशंस में डर लगता था इन्वेस्ट करने से, इसलिए वेट करते थे तो अगले 2 महीनों में मार्केट 10% और ऊपर चली जाती थी। उल्टा जब मार्केट गिर रही होती थी तब डर लगता था कि अभी ना इन्वेस्ट करें शायद मार्केट और गिरे, तो मार्केट रिवर्स मार्केट वापस ऊपर चली जाती थी। जब इन्वेस्ट कर देते थे तो अगले 2 दिन मार्केट फिर टूट जाती थी। तो इसके कारण मैंने अपने सारे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। एसआईपी मेथड में इन्वेस्ट करने के थ्रू एक और बहुत बड़ा फायदा जो मिलता है वो है कि आप एग्नी से बचते हैं, क्योंकि आप एक सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस बात का गुस्सा नहीं चढ़ता कि काश मैं 1 दिन और वेट कर लेता या 2 दिन और वेट कर लेता। आपको पता है कि आपने जिस डेट पे इन्वेस्टमेंट करनी है उस डेट पे करनी ही है। एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है डिसिप्लिन का, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी एक डेट पर आपकी एसआईपी कटनी ही है तो आप उस पैसे को बचा के रखते हैं, आप उसे खर्च नहीं देते। तो ये तो थे कुछ मेन कारण एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करने के। हमारे ऐप जेड फंड्स पर मंथली एसआईपी का ऑप्शन तो अवेलेबल ही है,
साथ ही साथ आपको कुछ AMCs के फंड्स पर डेली SIP का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी रोज के रोज आप एक छोटी रकम बचाकर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का और भी बेनिफिट ले सकते हैं। डेली SIP सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है कुछ फंड में। अगर आप अपनी SIP स्टार्ट करने में मदद चाहते हो तो अभी हमें 7217-46224 पर एक WhatsApp मैसेज भेजिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने नीचे लिंक दिया है जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Zen Funds। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।